हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी किचन में। पेठा पेठा आगरे की फेमस मिठाई है। इस पेठे से आज हम बनाएंगे लड्डू। ये लड्डू कैसे बनते हैं इसके लिए आप पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए 200 ग्राम पेठा लिया है, 1/3 कप कोकोनट पाउडर, साथ में 200 ग्राम मावा लिया है, 6 से 7 इलायची को मैंने क्रश कर लिया, 1 टेबल स्पून पिस्ताचियो, 10 से 12 मैंने बादाम और 10 से 12 काजू लिए हैं। पेठे को हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए सारा ग्रेट हो गया है। अब ड्राई फ्रूट्स को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए मैंने। फ्रेंड्स, मावा को कलर चेंज होने तक और घी अलग होने तक मीडियम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे बराबर चलाते रहिए जिससे तली में ना लगे। ये देखिए ये लगभग हमारा भुन गया है। अब फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इसमें मैं कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ में ग्रेट किया हुआ पेठा। इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी, इसे भी मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, कोकोनट पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसे अच्छे से हम सारे मिक्सचर को तैयार करेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसके मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाएंगे इस तरह से। इसे हम कोकोनट पाउडर में रोल करेंगे ऊपर से। ये देखिए हमारा लड्डू तैयार है। इस तरह से हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। आप बड़ा छोटा फ्रेंड्स अपनी चॉइस के अनुसार बना सकते हैं ये लड्डुओं को। ये लीजिए हमारे पेठे के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ऊपर से कटे हुए पिस्ते से हम इसे डेकोरेट करेंगे। ये क्विक रेसिपी है, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। इन्हें हम 8 से 10 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये लीजिए हमारे लड्डू तैयार हो गए। फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव भी किचन के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में लगी बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।